हिजाब पहने एक महिला के सामने सलमान ने झुकाया सर, कुछ इस तरह दी इज्जत। सलमान खान बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, जिन्हें यह बखूबी पता है कि लोगों की इज्जत किस तरह करते हैं। अब हाल ही में सलमान खान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल बता दें कि इन दिनों सलमान खान आईफा 2023 के लिए अबू धाबी गए हुए हैं और अब सलमान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है। सामने आए वीडियो में भाईजान की अदायगी पर लोग फिदा हो गए हैं। आखिर ऐसा सलमान ने क्या कर दिया है जिसके चलते लोग सलमान पर प्यार लुटा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। दरअसल सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं और जैसे ही सलमान खान की स्पीच पूरी होती है, सलमान खान यहाँ फोटो शूट करवाते हैं। उस दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोग स्टेज पर सलमान खान से मिलते हैं। सलमान खान यहाँ लोगों से अलग अलग तरीके से मिलते हैं, लेकिन जब सलमान खान के सामने एक महिला आती है तो हिजाब पहने उस महिला के सामने सलमान खान अपना सर झुकाते हुए उन्हें इज्जत देते हैं। बस यही अदायगी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और सलमान खान की खूब तारीफें हो रही है। बता दें कि सलमान खान महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं और इस तरह किसी महिला को इज्जत देते हुए देख सलमान पर लोग प्यार लुटा रहे हैं और सलमान को लोग असली सुपरस्टार बता रहे हैं। फैंस तो सलमान पर दिल हार बैठे हैं। वैसे दोस्तों बता दें कि यहाँ एक और भी इंसिडेंट हुआ था जिसकी फिलहाल काफी चर्चाएं हो रही है। दरअसल जब सलमान खान आईफा 2023 के लिए आ रहे थे तो उस दौरान विकी कौशल अपने एक फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और उसी दौरान वहाँ मौजूद लोगों को पता नहीं था कि वहाँ विकी कौशल खड़े हैं। और जब सलमान खान की एंट्री होती है तो उनके आजू बाजू में खड़े बॉडीगार्ड विकी कौशल को हटा देते हैं और इसी से जुड़ा ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। हालांकि ये जानबूझकर नहीं किया गया था, ये अनइंटेंशनली था, लेकिन ये वीडियो खूब चर्चाएं बटोर रहा है। बात करें भाईजान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं, जो इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।